ये लाहौर के मोरी गेट की कहानी है, जो शहर के दूसरे दरवाजों के मुकाबले में सबसे छोटा है। ये लोहारी और भाटी दरवाजों के दरमियान वाक़े है। अंग्रेज दौर में इसका दरवाजा कुशादा किया गया, आजकल इसका दरवाजा मफकूद है। मोरी दरवाजा महमूद गजनवी के वजीर मलिक अयाज की याद ताज़ा कर रहा है। मलिक अयाज ने जब शहर लाहौर दोबारा आबाद किया था तो फतेह की याद के तौर पर इस मकाम पर दरवाजा कायम कर दिया था, मगर इसकी वजह तस्वीरें मालूम नहीं हो सकी। कन्हैया लाल तारीख लाहौर में रकम तराज है कि ये दरवाजा भी मोरी दरवाजे के नाम से मलिक अयाज के जमाने में मौसूम हुआ, इसलिए कि जब शहर में मैसूर राजा जयपाल के शहर से भाग निकलने के बावजूद शहर के लोग बदसूर लगते रहे, सुल्तान ने चाहा कि शहर में दाखिल होकर शहर वालों को सजा दी जाए, मगर किसी रास्ते से उसे दाखिला ना मिला। आखिर इस मकाम से दीवारें गिराकर दाखिल हुआ। मोरी गेट में दाखिल होते ही मछली की कई दुकानें, लाख की भट्टियां दिखाई देती हैं। एक मस्जिद भी है। मट्टी के तनूर भी यहीं बनाए जाते हैं। ये तनूर काली मट्टी से बनते हैं। इनका बानी मंजूर हुसैन चंद साल कबल वफात पा गया था। उसके मजार पर बाबा मट्टी वाली सरकार का कतबा नस्ब है। तारीखी बाग के आसार भी कहीं दिखाई दे जाते हैं, लेकिन इनके साथ बहने वाली नहर अब गंदे नाले में बदल चुकी है। मोरी दरवाजे के अंदर पुरानी इमारतें अपने तर्ज तमीर से अपनी तारीख की दास्तानें बयान कर रही हैं। मरूफ विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल का रास्ता मोरी दरवाजे ही से होकर गुजरता है। यहाँ एक इमाम बारगाह भी है। इस स्कूल का नाम पहले जहांगीर का स्कूल होता था, जहाँ पंजाब के साबिक चीफ सेक्रेटरी जवेद महमूद भी पढ़ते रहे। मोरी गेट जहाँ खत्म होता है वहाँ से चौक झंडा शुरू हो जाता है। इस जगह पुराने मकानात और गंदम की बड़ी मंडी मौजूद है, जो कनक मंडी के नाम से मशहूर है। कैमरामैन सैयद मेराज के हमरा अख्तर हयात, सिटी 42।